आज के फनकार। नमस्कार। हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े। राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने। मेरे पिया का घर है ये। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत, इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया। एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार वो पहली नजर का सा
असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना चल के रुकना ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया चौरानवे में आई हम आपके हैं कौन एच के यानी हम आपके हैं कौन राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही। पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है जान के भी पहला प्यार है पहली पहली बार है। दूल्हे की सालियो दुपट्टे वालियो दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो जूते दे दो पैसे ले लो जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखला ना यूं तेवर दुल्हन के देवर तुम दिखला वाह वाह राम जी
जी। एचके के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। यह फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। यह फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन पर यह फिल्म आई और छा गई। Ready?
जन्मों के साथ हम साथ साथ है, जन्मों के साथ हम साथ साथ है। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथ हम साथ साथ है, जन्मों के साथ हम साथ साथ। 2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने। राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था। दो अनजाने अजनबी चल बांधने बंधन, हाय रे दिल में मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है
जी भर के मैं देखूं मुझे हद है, बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है। एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या। साल 2008 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। आँखों का पानी अंजुरी में भर के हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई। इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो। तू कमाल का, बातें भी कमाल की। सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत, ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए, हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित। इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी। उछल कूद करता है दिल फुदक फुदक रे, रहता है अकड़ में खाता न पकड़ में। उछल कूद करता है दिल फुदक फुदक रे, गुब्बारों सा उड़ता है ब्लू आसमान में। ओ गलत फहमी में जबर मस्ती रे, जबरदस्ती रे। राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे।
आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तेजश्री कांबले। आज के फनकार।